बीरबल, आप चाहते हैं कि हम जंग ना करें? जी। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं बीरबल, हम ये जंग नहीं करते, लेकिन बदले में क्या अकबर हमें हिंदुस्तान की सल्तनत देंगे? ना झगड़ा ना लड़ाई, फिर भी हुई उसकी पिटाई, बोलो क्या? हुजूर आपका घोड़ा। घाता फलातून। ना झगड़ा ना लड़ाई, फिर भी हुई उसकी पिटाई, बोलो क्या बीरबल? घोल, घोल की बात कर रहे हैं आप? बात खूब, बात खूब, तभी तो हम आपको इतना पसंद करते हैं बीरबल। गलती, माफी। बीरबल, हमारे अब्बा हुजूर ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, बेइंसाफी की है। हमारे सौतेले भाई अकबर को हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया उन्होंने। अरे हमने क्या गलती की? जाबाज हैं, निडर हैं, काबिल हैं। हमें अपना हक चाहिए बीरबल, हमें खून चाहिए, हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। जाओ बीरबल, जंग की तैयारी करो। और हाँ, याद रखना कि अगर अकबर ये जंग हार गया तो हिंदुस्तान की सल्तनत उसे गंवानी पड़ेगी, लेकिन साथ में बीरबल, आपको उनका साथ छोड़कर हमारे साथ आना होगा। हाँ, समझे या फिर समझाए? बादशाह वो तीसरी कतार में चौथी तो काम नहीं कर रही ना दूत, यही बताने आए थे ना? जी बादशाह। तक लिया। लेकिन कैसे आप ये कैसे सूंघ कर पता लगा लेते हैं हुजूर के इंसान के जहन में क्या चल रहा है? हर बार भूल जाते हो अफलातून कि हमने भालू का खून पिया है बीरबल। हाँ, भालू का खून, जिसकी वजह से हमारी सुनने की ताकत इतनी ज्यादा है कि जहन में हर बात हम सूंघ लेते। और सोने का वक्त हो गया है बीरबल। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करे तमाशा। क्या हुआ बीरबल, बड़ी सोच में पड़े हैं आप? अगर आप इस जंग के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी तलवार ने कसम खा ली है कि अब ये मिर्जा हाकिम का खून पीकर ही अपनी प्यास बुझाएगी। जा बना, हमारे फौज की तादाद 10,000 है और हाकिम मिर्जा की फौज की तादाद 50,000। 50,000? हमारी फौज एक दिन भी उसकी फौज के सामने टिक नहीं पाएगी। हमारी फौज की एक बड़ी सी टुकड़ी मुल्तान में, उन्हें यहां पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक ये जंग शुरू हो चुकी होगी। जहां पनाह की जय हो, इमाम सिद्दीकी महल में पहुंच चुके हैं। आप इमाम सिद्दीकी, लाइए लाइए उन्हें अंदर भेजिए। अरे वासु, इमाम सिद्दीकी साहब आ रहे हैं। हाँ फूफू, सुना मैंने भी। अरे हटिए यहाँ से, उन्हें बैठने के लिए जगह दीजिए। सुना, बादशाह अकबर को नवाब इमाम सिद्दीकी का सलाम। आइए आइए इमाम सिद्दीकी साहब, आइए। ऐसे अचानक से आकर आपने हमें ताज्जुब में डाल दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बीरबल हमें अकबर बादशाह की मदद के लिए बुलाए और हम नहीं आए। जैसे ही बीरबल का खत हमें मिला, हम अपने 40,000 सैनिकों के साथ तुरंत वहां से रवाना हो गए। अब हम ये जंग मिल के लड़ेंगे। जाम लगाओ। हाँ।
शुक्रिया इमाम साहब, हमारे खत को आपने इतना तवज्जो दिया और तुरंत आ गए। जा बना, अब ये जंग हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बादशाह अकबर, आपने ये जंग जीतने के लिए कुछ तो योजना बनाई होगी। हाँ हाँ, योजना तो हमने बनाई है, कोई भी जंग योजना के बिना नहीं जीती जाती। ये देखिए, हम यहाँ हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम हैं, ये बहुत ही महफूज जगह है। यहाँ पर आसपास सिर्फ पहाड़ और नदी है। यही जगह हमारी सबसे बड़ी ताकत और यही जगह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ताकत इसलिए क्योंकि हम पहाड़ और नदी से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी सेना आकर कभी घेर नहीं सकती। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इसलिए क्योंकि अगर हमारे दुश्मन को हमारे आने जाने वाले रास्ते के बारे में पता चल गया तो वो इस रास्ते को घेर सकते, इस रास्ते को बंद कर सकते, जहां से हमारा सारा अनाज मुहैया होता है। अगर गलती से भी ये रास्ता बंद हो गया तो हमारी फौज तो भूखे मर जाएगी। जाम लगाओ। इमाम साहब, किसी भी तरह से हमने इस जंग को दो दिन से आगे ढकेल दिया तो हमारी फौज की एक बड़ी टुकड़ी मुल्तान से यहां पहुंच जाएगी, फिर इस जंग में हमें कोई हरा नहीं सकता। बीरबल, जब तक आप हमारे साथ हैं इस जंग में, वैसे भी हमें कोई नहीं हरा सकता। बलदेव, जापना, हम आपको सिपे सालार बनाते हैं। आप इस जंग में सबसे आगे रहेंगे। अरे इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका हक है। सलीम और वासु, हाँ हुजूर, आप इस जंग में सबसे पीछे रहेंगे। जी हुजूर। भागने के लिए भी तैयार। इमाम साहब और बीरबल, आप दोनों हमारे साथ रहेंगे बीचों बीच। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। खाना तो बढ़िया था, अगर नमक थोड़ा सा और। ये सो रहे हैं आप यहाँ पर? हम नक्शा कहाँ है? ये नक्शा कहाँ है? आपको नक्शे की हिफाजत के लिए यहाँ पर रखा था। ढूंढो नक्शा कहाँ है, तो ढूंढो ढूंढो नक्शा कहाँ है। अम्मा हुजूर, नक्शा यहाँ कहीं नहीं है। कि नक्शा चोरी हो गया है। अगर ये नक्शा हमारे दुश्मनों के हाथों में लग गया तो उन्हें हमारी हर कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा। इमाम सिद्दीकी साहब, इमाम सिद्दीकी साहब कहाँ? जापना की जय हो। नवाब इमाम सिद्दीकी अपनी फौज को लेकर मिर्जा हाकिम के पास चले गए। तुम जाके खाना खा लो। ठीक है जापना। ये इमाम साहब अकेले क्यों चले गए? जंग तो हम सब साथ में लड़ने वाले थे, साथ में जाते सब लड़ते। अरे जापना, इमाम साहब जंग लड़ने नहीं गए, वो आपके दुश्मन के साथ जाके मिल गए हैं। उन्होंने हमें धोखा दिया, आपके पीठ पे छुरा घोंपा है। जाने के इस नक्शे की चोरी भी इमाम साहब ने की है। अब हमारी 10,000 की फौज 90,000 लोगों के साथ लड़ेगी। जापना, दिन का तारा पड़ा है, किसी और को सिपे सलार बनवा दीजिए। दिल दाएं नहीं बाईं तरफ होता है। आपको दिल का नहीं डर का दौरा पड़ा है। बीरबल, हमें डर सा लग रहा है। भाईजान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आज भी अंदर की अकड़ आपकी कम नहीं हुई है भाईजान। जलालुद्दीन, शायद आपको मालूम नहीं, आपकी योजना की खबर हमारे पास पहुंच चुकी है और आपकी कमजोर कड़ी पहाड़ से गुजरता हुआ रास्ता उसके बारे में भी हमें पता चल चुका है। 20,000 सैनिक हमने भेजे हैं उस रास्ते को घेरने के लिए। जलालुद्दीन, ये फौज लेकर आए हो तुम हमें मारने के लिए? तुम्हारे लिए तो हमें फौज की भी जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे लिए तो हमारे ये दो हाथ ही काफी हैं। अपनी तलवारबाजी पे बड़ा घमंड है ना तुम्हें? बड़ा गुरूर है अपनी तलवारबाजी पे।
तो आ जाओ हमारे साथ, हो जाए दो दो हाथ, हो जाए। ठीक है, अब तुमसे मुलाकात कल ही होगी इंशाल्लाह। तादाद में हम कम ही सही, लेकिन हार नहीं मानेंगे हम, जान पर खेल जाएंगे। धीरे कीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? जा बना कीजिए, जा बना, कमाल हो गया। मुल्तान से हमारी फौज जो कल पहुंचने वाली थी, एक दिन पहले आज ही पहुंच गई। क्या? अब ये जंग हम जीत के रहेंगे जापना। लेकिन ये हुआ कैसे बीरबल? जापना, जब आपकी फौज को पता चला कि उनकी जापना को उनकी जरूरत है, तो चलने की जगह वो दौड़ के यहाँ तक पहुंचे। और तो और, रानी साहिबा ने भी फौज भेज दी है। अब मिर्जा हाकिम के फौज का सामना हमारे 300,000 सिपाही करेंगे। ये हुई ना बात बीरबल। अब इस मिर्जा हाकिम को हम उसकी औकात दिखा देंगे। अब हमसे बचने नहीं वाला वो। जापना, जब मिर्जा हाकिम से आप जंग लड़े, तो उसे इस बात का एहसास दिलाइएगा कि ये जंग छेड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती है बीरबल। मिर्जा हाकिम, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। हम अपनों का खून बहाना नहीं चाहते। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अपनी फौज लो और लौट जाओ। हमें खून चाहिए जलालुद्दीन। तो हमें भी लस्सी चाहिए, जो हम जाकर अपने नए महल में पिएंगे। हाकिम मिर्जा, जलालुद्दीन क्या हुआ मिर्जा हाकिम, घबरा गए, डर गए? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? सुनना पड़ेगा। बेटा, हमारे 300,000 सिपाही तुम्हारी फौज को घेर रहे हैं और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हमें तो तुम्हारे सिपाहियों पर तरस आ रहा है, जो बेमौत मारे जाएंगे। ये बात हमें पता क्यों नहीं चली? अब समझ में आया कि भाईजान के अंदर इतना हौसला कहां से आया। एक बार फिर से सुनता हूं, मिर्जा, हम यहाँ तलवारबाजी करने आए हैं, कुश्ती नहीं। तुम्हें तो नंगा करके हम इतना पीटेंगे कि फिर कभी ऐसी हिमाकत नहीं कर पाओगे। कोई और होता तो उसका तो सर ही कलम कर देते, पर तुम तो फिर भी हमारे छोटे भाई हो। छोड़ो, ये कर क्या रहे हो? छोड़ो भाईजान। माफी भाईजान, माफी। गलती हो गई भाईजान। मेरे बड़े हैं, मैं कैसे आपके साथ लड़ सकता हूं? मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, माफ कर दीजिए। ये तो अच्छा किया मिर्जा हाकिम कि तुमने हथियार फेंक दिए। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। आपने हमारी जिंदगी बख्शी, हम था उम्र इसके लिए शुक्रगुजार होंगे। और आपसे वादा करते हैं जलालुद्दीन, अपना चेहरा आपको हम जिंदगी भर नहीं दिखाएंगे।
मैं आपका शुक्रगुजार रहूं। ए, 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 आ, आ, आ। बड़ी खुशी हुई सुनकर, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो इमाम सिद्दीकी साहब हैं, इन्हें तो आपको हमारे हवाले करना ही होगा। इन्हें जाम पिला पिला कर मारेंगे हम। फिर पिलाने से याद आया, हमारा नया महल तैयार हो गया है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वहां पर हम पीने के लिए आपको खून तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ लस्सी जरूर पिलाएंगे। आइए हमारे साथ। आप चलिए भाईजान, मैं फौज को रवाना करके आता हूँ। बहुत खूब, हम आपका इंतजार करेंगे भाईजान। जीत गए, पता है जीत गए ना, हमें क्या पता नहीं है। जहां अपना की जय हो, जहां अपना, हमारी मुल्तान वाली फौज आज शाम तक पहुंच जाएगी। अरे वाह, अरे हमारी मुल्तान वाली फौज तो पहुंच चुकी है ना। झूठ बोलना जरूरी था जापना। जापना, हमारे एक झूठ ने आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, आपका हौसला बढ़ा है। आपके मन में ऐसे विचार आए जिससे हाकिम मिर्जा डर गए और अपनी हार मान ली। आप शायद भूल गए जापना, लेकिन ये हाकिम मिर्जा लोगों के विचार सूंघ लेते हैं। हमने उन्हीं की ताकत को उन्हीं की कमजोरी बना दी। वाह बीरबल, वाह वाह, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आपके जैसा कोई नहीं है। हम बहुत खुश हैं और आपको एक बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। क्या जापना? अकबर के पैरों की धूल, इसे पानी में मिलाइए और पी जाइए। चलिए चलिए चलिए, अब हमें हमारे नए महल में जाने का पूरा हक है। चलिए जापन। बादम बामुला हिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपने नए महल में पुराने लोगों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। अरे बजाओ रे बस, रानी साहिबा, देखिए आपने सबका क्या हाल कर दिया। आइए आइए, बाकी का महल तो देख ले। आइए बजाओ बजाओ। क्या रे, बाहर खाना लगा है, जाके खाइए, जश्न मनाइए। जाइए जाइए, आप जाकर खाना खाइए। रानी साहिबा, आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए ना, हमारे बगल में। अरे जापना, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए आइए, हाथ दीजिए। तो जापना, ये है आपका नया दीवाने खास। बहुत ही खूबसूरत है भी, बहुत ही खूबसूरत। ये बारीकी से की गई नक्काशी, इतनी खूबसूरत नक्काशी, जिन कारीगरों ने ये नक्काशी की है बीरबल, उनके हाथ कटवा दीजिए। क्या मजाक कर रहे हैं रानी साहिबा? मजाक कर रहे हैं, उन्हें इनाम दिया जाए। बस 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 बस, बहुत हो गया बीरबल, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। पहले हमें अपना कमरा दिखाइए। आई आई आइए रानी साहिबा, ये रहा
आपका और जापना का कमरा। जापना? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह कितना प्यारा है बीरबल। वाह 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 बीरबल, ये बिस्तर तो काफी मजबूत बनवाया है आपने। बीरबल वाह वाह, ये कमरा तो बिल्कुल हमारी तरह है। मोटा सुंदर, अति सुंदर। क्या बात है रानी साहिबा, पहली नजर में तो आपने हमें भी पसंद नहीं किया था, कमरा इतना पसंद आ गया आपको। चलिए जापना, अब आपको आपके महल का बाकी हिस्सा दिखाते। आइए जापना आइए, ये देखिए, ये है आपका दीवाने आम। जापना, यहाँ पर आप हमारी जनता के फैसले करेंगे। बीरबल वाह, बहुत खूब, आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है, हमें तो लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। बहुत अच्छा महल है बीरबल। ये नया महल आप सबको मुबारक, इसीलिए इस नए महल की खुशी में इसी जुम्मेरात को एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। हमारे सारे मित्र राजाओं को और हमारे पूरे परिवार को इस जश्न के लिए न्योता भेज दिया जाए।